लेकिन आप कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि आप ये बिल्कुल बंद गली की तरफ जा चुके हैं, आप पीछे ये कभी भी नहीं आ सकते। मैं तंदीर भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एपी सिंह इनको जो बरगला रहा है, इनको गुमराह कर रहा है, उसको कोई इस्तीफा मिलने वाला नहीं है। कोई सिफा एपी सिंह को नहीं मिलेगा। एपी सिंह को पता है कि जो इसमें आज मोमिन मलिक और गुलाम हैदर के खिलाफ जो एक याचिका डाली है, अभी मैं फोन काट नहीं सकता, मैं आपको बताता मैं कि 107 आईपीसी जानता है 107 आईपीसी क्या होती है, क्या है सर वो बता दीजिए ना। मैं बता रहा नहीं हूँ, आज नहीं बताऊंगा, मैं उसी से पूछिए पहले आप। 107 उसने जो आईपीसी लिखी है वो 107 आईपीसी नहीं है, वो 107 सीआरपीसी, और उसने जो लिखा है वो आईपीसी। यार जब तुम जानते नहीं हो तो अपने किसी सीनियर से पूछ लो ना। तनवीर जी मैं भी इतना बड़ा वकील तो हूं नहीं, मैं यदि मुझे किसी मामला की जानकारी नहीं होती है तो मैं अपने सीनियर से सलाह लेता हूं, मैं उसमें कोई शर्म थोड़ी होती है मुझे जी। लेकिन ये तो कल अपने बयान में कह रहा था कि ये कह रहा था कि हमें अदालत से उम्मीद है कि जो हमने किया है उसी का हमारे हक में फैसला आएगा। अरे सुन ले भाई, तू आतंकवादी बता रहा है गुलाम हैदर को, उसके बच्चे छिन गए, उसका घर जल गया, उसको तू आतंकवादी बता रहा है, और जो उसकी वकालत कर रहा है वकील, उसको तू आतंकवादी बता रहा है, और तू घंटे झंडू दूध का दुला नहीं, और तू एक आतंकवादी। मैं मानता हूं कि चलो गुलाम हैदर हो सकता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हो, और गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर को तूने अपनी बहन बना लिया, तो तू क्या भाई, तू आतंकवादी नहीं है? देश बोलता है पाकिस्तान को दुश्मन देश बोलता है, तू आतंकवादी नहीं है तू? तू भी आतंकवादी है। मैं मानता हूं कि ये तनवीर जी बुरा मत मानना जी जी, एपी सिंह के मुताबिक ही मैं कह रहा हूं कि गुलाम हैदर आतंकवादी है जी, और गुलाम हैदर की जो पत्नी है सीमा गुलाम हैदर जी, चार बच्चे खटिया पे लोट के उनने कर लिए गुलाम हैदर के साथ में, खटिया पे लोट के करे पता ना जब कहां करे हमें पता ना है, जो बात है चार बच्चे हैं तो गुलाम हैदर के, सुन रहे आप जी जी। गुलाम हैदर आतंकवादी है तो मैं मानता हूं कि सीमा भी आतंकवादी होगी, और जिसको जिसको तूने चार दिन में अपनी बहन बना लिया तो हो सकता है कि गुलाम हैदर के साले साहब, कहूंगा मैं एपी सिंह को, गुलाम हैदर के साले तेरी पुरानी रिश्तेदारी पाकिस्तान के अंदर गुलाम हैदर से थी, गुलाम हैदर के परिवार से थी, सीमा हैदर से तेरा पुराना संबंध था, जो तूने चार दिन में इसको अपनी बहन बना लिया, तो आतंकवादी तो हरामखोर तू है एपी सिंह जी। बिल्कुल देखे ना, ये दोगला इंसान है सर जी, दोगला है बिल्कुल अपने बारे में, अगर दोगला ना है साला चोगला है, चोगला है नहीं, ये खुद ये कहते हैं कि भाई मोमिन साहब की जांच करवाई जाए, इसकी फंडिंग हो रही है, कहां से पैसा आ रहा है। अरे फंडिंग फंडिंग की
फंडिंग की जांच तो बेटा तेरी होगी, तेरी होगी। कहते ना कैसा सीमा को एकदम बहन बना लिया आपने, बेटा जांच तो तेरी होगी। अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी